श्री पंडित महिमानंद गौड़े जी, मैं इस कृपा का मुख्य पुजारी हूँ। मैं 33 कोटि मैं यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, मैं उनको यहाँ पे भगवान के दरबार में उनको भोले बाबा से आशीर्वाद दिलाता हूँ और उनकी तमन्ना पूरी करती हूँ। तो इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गाय माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध के भार चढ़ा के अक्षय पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है जिसकी खोज गाय ने की है, वो सतयुग का है जिसकी खोज गायनी की। बाहर आपने पार्वती माँ के चरण देखे हैं, कन्या रूप में पार्वती माँ ने उस पत्थर शिला पे तपस्या करी 12,000 साल, तब जाके उनको पति मिला शिव शंकर भगवान भोलेनाथ। यहाँ पे 5 भाई पांडवों की धरती है और ये यहाँ पे औजार हैं, ये पांडवों के औजार हैं। और ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये तीर्थायु का है राम जी के टाइम। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेकर श्रीलंका पहुँचाई है। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए तो एक बंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो सोयत बंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में मिलेगा या तो लाखामंडल के प्रांगण में, कि पूरे भारत देश में और जगह ये शिवलिंग ही मिलेगा। उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है कृष्ण जी के टेम्पल। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 125,000 शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है, मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है, उस मेले का नाम है छावड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा, उसके बाद फिर पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेगा। जिस बेटी 4 धाम के कपाट से पहले उसके बाद खुलेंगे जब मेला यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जिस बेटी की शादी हो जाती है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी बेटी की शादी में विलम्ब लगता है, शादी नहीं होती है, यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग बर मांगने आते हैं। 60-70 साल माँ का बेटा हुआ, ये शक्ति बेटा आदमी है। यहाँ आप लोग आगे चल ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खोर के निशान है, पैर के निशान। ये देखो आप, ये गाय के खोर के निशान है, ये हर पत्थर पे मिलेंगे आपको ऊपर से लेकर। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन के हथेली पे ये बनाया गया। ये भैंसा जो है ये राक्षस है, इसने भैंस का रूप धारण किया इस राक्षस ने, और ये भैंस का रूप धारण करके शंकर भगवान को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई दुर्गा माँ कि मेरे पति को भक्षण करेगा, उसने उसको बंदी कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। तो इसको महिषासुर मर्दनी माँ कहते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख महल बनाया था, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईट है, इस ईट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड से सुरंग है वो विदुर ने बनाई, विदुर ने पांडव लोगों को यहाँ से अंडरग्राउंड बाहर निकाले। नीचे सड़क पे गुफा मिली आपको, वो है पांडवों की द्वंद गुफा, पांडव लोगों को। अच्छा, वो रास्ता यहाँ से वहाँ निकलता है, यहाँ से वहाँ निकलता है। इस जगह से निकलता है, यहाँ पे बंद कर दिया, अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया, यहाँ से बंद कर दिया ये वाला। हाँ जी, यहाँ से बंद कर दिया और नीचे सड़क पे गुफा मिली आपको जी, वहाँ से पांडव लोगों को बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग गुफा के अंदर, तो आप लोग अंदर जाना सुरंग में, सुरंग में जाके आपको आगे इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, चक्रावतार नागथाट के बीच में विराट खाई है, वहाँ निकलती है जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है।
उसके बगल में दूसरी सुरंग है वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती हरियाणा में जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये मूर्ति कौन सी है मैं तुम्हें दोनों देवियों को पूछूंगा, मेरे सवाल का उत्तर आप देना, आपने बोलना बेटा भी। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, आपके पिताजी ने कथा करी, कथा करते हैं आप लोग, पूजा करते हैं आप लोग, कोई शादी विवाह पार्टी होती है आपके यहाँ, आपकी शादियाँ हुई है तो उसको क्या कहते हैं, पार्टी कहते हैं। तो आपके पिताजी ने यज्ञ किया, राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया, दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया और उन्होंने अपनी बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी बोलो? सती माँ। सती माँ ने कहा अपने पति के कि पतिदेव मेरे मायके में, आसमान करना बेटा, मेरे मायके में और आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है आपके लिए। भगवान ने उनको जवाब दिया कि हे देवी, हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। जिनकी तुम्हारी शादियाँ हो रखी है तुम्हारे साथ तुम्हारे पति का और तुम्हारा आपस में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है। वो आज भी होता है। तो सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, वो अपने मायका चले गई। वहाँ जाके सभा के बीच में, ये सभा है जो हम लोग यहाँ पे इस समय खड़े हैं इसको सभा कहते हैं, सभा के बीच में उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया और दक्ष राजा ने अपनी बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं दिया। उसको फिर अपने पति की याद आई, मेरे पति ने उसको कि मैंने अपने पति का अपमान किया, मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। वहाँ पे हवन हो रहा था, हवन कुंड में कुछ पड़ी भस्म हुई, शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको क्रोध आया, किसको क्रोध आया, शंकर जी को क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, ये जो बाल है ये शिव की जटा है, जटा उखाड़ी पृथ्वी पे पटका, वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, बेटी बाता मत करो आप लोग, यहाँ का रूप है वीर और भद्र, और देवी आपका रूप है जो शादीशुदा देवी है, तुम्हारा रूप है सतयुग में सती माँ का। फिर त्रेता युग आया राम जी का अवतार, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय और आपका रूप है दुर्गा माँ का। फिर द्वापर आया कृष्ण जी का अवतार, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल और आपका रूप है पार्वती माँ का। अब ये कौन सा युग है, कलयुग, ये कलयुग है। कलयुग में ये भोले बाबा है शंकर जी, भोले बाबा शंकर जी हैं ये, इसका हीरे मोती का मुकुट है, जानते देखो आप लोग, इसका हीरे मोती का मुकुट है। और ये राक्षस है जिसको हमारी पहाड़ी क्षेत्र में भूत भी कहते हैं, इसकी खोपड़ी पे मुंडी है ऊपर, देखो आपका रूप है गौरा माँ, चार रूप आपके भी हैं और चार रूप भगवान के भी हैं। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से, क्या बोला मैंने, मंडलेश्वर नहीं मंडलेश्वर, मंडलेश्वर हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में, हमारी जो ये पट्टी है हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, हमारे 24 गांव की पट्टी है, 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी वो लेडीज है या पुरुष है या बूढ़ा है या जवान है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे पुजारी, अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उसके जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था, ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से गोद पास चलाता था। ये शक्ति थी बेटी का। और जो ये शिवलिंग है ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है, इसके चारों तरफ चार मठ है, इनके ऊपर शिवलिंग की ओर छोर में रख दी, यहाँ पे बीच में दो तीन बार कुछ चोरी चारी हुई। भीम है, अर्जुन है, सदैव है, नकुल है, ये इनकी पंच सभा है, यहाँ ये पांच भाई पांडव लोग हैं, इनकी पंच सभा है, ये हमारी जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ये पांच पांडवों के धरते में है, इसको पंच सभा कहते हैं, हम सभा है ये पांडवों की सभा है, समझे जी। और इस शिवलिंग का जो मुंह है ये पश्चिम को है, ये रेखा दिख रही है आप लोग, ये पश्चिम को है, इसकी पूजा इधर से होती है, इधर से जाते इसको नमन करते हैं
तो जो आदमी मरता था इस इलाके में उनकी डेड बॉडी खा जाते थे। मेरे भाई यहाँ पे ड्यूटी करते थे इस मंदिर, 6 साल तक हनौज में रहा, 18 साल तक हनौज में रहा, 6 साल तक दिल्ली रहा, उसके बाद वो यहाँ पे आए हैं और यहीं से वो लोग स्वर्गवास के लिए। जिस दिन मेरे भाई की मृत्यु हुई है ना, उस दिन ऐसी चमत्कार हुई मेरे भाई के साथ है कि मतलब जैसे धर्मराज विश्वकर्मा महाराज स्वर्ग रहने गए ना, वैसे ही मेरे भाई भी उसके निकले। हमारे गांव में मेरा भांजा था, उसका नाम था अमरत भट्ट, उसकी मृत्यु हुई और भाई ने बोला कि भैया मेरे को मंदिर में ले जाओ, जब डेड बॉडी उनका घर ये ऊपर है सामने, उसकी डेड बॉडी जब यहाँ पे लाई है तो जब भाई ने बोला कि मेरी डेड मुझे ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पे भाई ने माथा टेका उनके लड़कों के पास, जो कुछ बात बोलनी थी वो बोली है, मृत्यु के ऊपर पैसा रखा है जी, जो भी कुछ रखा होगा, मृतक यहाँ से जमुना जी ने दास संस्कार करने के लिए गए थे और मेरा भाई यहाँ से उठा खड़ा। यहाँ पे 2-3 गांव के लोग, बुजुर्ग लोग जो 70-80 साल 90 साल के बैठे थे यहाँ पे, के बारे में मेरे भाई ने माथा टेका, मेरे भाई ने बोला ये शिवजी भैरव देवता, हमारा कोई देवता है भैरव, ये शिवजी भैरव देवता, जैसा मेरा भांजा अपने स्थान पे चले गया, मेरे को भी ऐसी मुक्ति देना कि मैं भी इस स्थान से अपना मुख वैकुंठ धाम करूँ। जब तक वो घर पहुँचा, घर में गया, हम लोग तो सब लोग जो है जमुना जी में दास संस्कार करने गए और मेरे भाई घर में गया, बहू को बोला कि बेटी मेरे को थोड़ी सी चाय बना। जब तक बहू ने चाय का पानी रखा इतली में, तब तक बैठे बैठे भाई के प्राण कर, बिल्कुल शांत, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तो मेरे भाई को ऐसी मृत्यु हुई, मेरे भाई को यहाँ पे चमत्कार हुआ, सपना हुआ भाई को, और मेरे भाई यहाँ से दिल्ली गए और उन्होंने वहाँ पे ऑफिस में बात करी कि महाराज राखा मंडल ने मेरे को चमत्कार हुआ है, इस जगह पे जैसे ये शिवलिंग दिख रहे हैं ना आपको, ये मूर्तियाँ दिख रही है शिवलिंग, ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है, देखो ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है, ये सामने है ये मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति, तो ये जो है चमत्कार भोले बाबा जो है उनके सामने दिखे यहाँ पे। उसकी नींद खुली, वो दिल्ली गया, वहाँ पे उन्होंने ऑफिस में बात करी कि महाराज मेरे को चमत्कार हुआ और आप लोग वहाँ पे चलो और थोड़ी खुदाई करो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2007 के बीच में ये खुदाई हुई है, अभी 12-13 साल हुई है मात्र यहाँ पे खुदाई हुई है, और ये सारे भगवान, ये सारे सामने कोने पे सूर्य भगवान का मंदिर है, उन मकानों के नीचे भी मंदिर है, इस मैदान के नीचे भी मंदिर है, यहाँ पे 100 मीटर के एरिए में कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं। अब मेरे को भी इस भोले बाबा के चमत्कार हुआ, मेरे को भी चमत्कार होता है। मंदिर जो है ये ऊपर से नीचे को बनाया, विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन की हत्या भी के बनाया गया, मेरे को भी चमत्कार हुआ। यहाँ पे गाइड करने वाले कई लोग हैं, पूरे गांव के लोग हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, अब ये भैया तो हमारी उम्र के समझो 1-2 साल कम होगा, हम ये चीज़ें बोल के समझ लो, ये भीमसेन की हथेली है, ये 5 अंगुली देखो आप लोग, ये पत्थर शिला है, आ जाओ बेटा देखो आप लोग, देखो मम्मी ये हथेली है जी, भीमसेन की हथेली, ये चमत्कार हुआ मेरे को, ये 5 अंगुली है देखो आप, और जो आपकी हुआ कि नहीं हुआ, उनके 5 पति थे दुर्पता माँ के, तो दुर्पता माँ का विवाह हुआ और तुम्हारी भी शादियाँ हुई है, तुम्हारे शादी में तुम्हारे बहनों ने, माँ ने, सहेलियों ने, बुआ जी ने पूरी और पकौड़े बनाए हैं, बनाते हैं ना पूरी पकौड़े, दुर्पता माँ के पकौड़े हैं ये, पत्थर शिला हो गई, ये पकौड़े हैं ये देखो, ये दाल के पकौड़े, जो दाल के पकौड़े नहीं बनाते, तो बहुत ज्यादा रीति रिवाज है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड में है बेटा, हमारे तरफ बल्कि है भी नहीं उतने जितने आपके तरफ रीति रिवाज है। ये है रस्ते की काली माता, ये रस्ते की काली माता है और ये प्रचंड माता है, ये छोटी मोटी माँ नहीं, ये साक्षात माता है, माता जी को नमन करो, जय रस्ते की काली माँ, हमारी यात्रा सफल करो, तो माता जी के दर्शन करने से आप लोगों की यात्रा सफल होती है, इस माँ की बहुत महान कृपा है।
है क्या इस माँ की शक्ति है? लाइन से खड़े हो जाओ बेटा। हमारे भारत में, हमारे देश में चीन से बीमारी आई, कोरोना चल रहा है ना हमारे देश में, ये पूरे दुनिया में चल रहा है ये बीमारी। ये 100 साल के बाद इस बीमारी ने आना ही आना है बेटा। जैसे हैजा की बीमारी है, शीतला की बीमारी आती है, फास आती है, तो ये 100 साल में आती है। ये कोरोना जो है ये पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे पहले चीन में, अमरीका ये बीमारी शुरू हुई है। हमको भारत में पता लगा और हमको लाखामंडल में मार्च में पता लगा कि बीमारी फैलने वाली है। हमने पर के साल मार्च में इस माँ की पूजा करी है, पर के साल मार्च में, और इस बार तो कई बार कर ली पूजा। ये माता है हैजा काली माता, खप्पर अच्छा। वाली माता, शीतला वाली माता। इस माँ को आप लोग सब लोग नमन करो। जय हैजा काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता। हमारे शरीर की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, नाती पोती भाई बहनों की रक्षा करना और हमें बीमारी से बचाना। इस माँ की शिवलिंग चिंता हरण महादेव, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और ये शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग। पारदर्श शिवलिंग का क्या मतलब है? जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, नाती पोती भाई बहनों से और आपस में तुम्हारा प्यार है, वैसा प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। इसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। चारों तरफ 8 कोने हैं, चारों तरफ आठ कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृत्युलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के साथ जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। इस भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। और ये पार्वती माँ का रूप है, ये जलेरी है ना, ये पार्वती माँ का रूप है और ये शंकर भगवान स्वयं है विराजमान। ये दोनों एक साथ रहते हैं, जैसे आप अपने पति के साथ रहते हैं वैसे ही दोनों ये भगवान साथ रहते हैं। और फिर मेरे को सावन के महीने आज से कम 5-6 साल हो गए, मेरे को चमत्कार हुआ। मैं डेली यहाँ पे जल चढ़ाने आता हूँ। सुबह के टाइम 4 बजे, 3:30 बजे मेरी नींद खुलती है। मैं 4 बजे यहाँ पे अपना मुँह हाथ धो के स्नान करके मंदिर में आता हूँ, जल चढ़ाता हूँ। माता जी ने मेरे को अपना प्रकार दिखाया, जैसे आप लोग हमारी माता लो, हैं, बेटी है,